ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के द्वारा गाए एक गीत को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि इसकी प्रतिक्रिया में दिनारा थाना क्षेत्र के रहने वाले पंकज कुमार सिंह नामक नवोदित कलाकार ने खेसारी को टारगेट करते हुए उन पर गीत गा दिया। इस गीत में निजी तौर पर खेसारी पर प्रहार किया गया था। उधर इस गीत से तिल मिलाए खेसारी लाल यादव ने एक तरफ जहां लाइव आकर उनके नाम के गलत इस्तेमाल पर रोष जताया, वहीं उन्होंने धमकी भरे लिहाज में गायक पंकज कुमार सिंह तथा अन्य लोगों को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य करेगा उनके साथ पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे, भले इसके लिए कितने भी रुपए खर्च करना पड़े। दूसरी तरफ नवोदित गायक पंकज कुमार सिंह कहा कि खेसारी लाल के समर्थन में उनके गीतकार अखिलेश कश्यप तथा उनके टीम ने नवोदित गायक पंकज सिंह को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे रास्ते गाड़ी में बैठाकर मारते पीटते बक्सर स्टेशन रोड स्थित एक निजी ढाबा में पहुंचे तथा वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, इस मारपीट को लाइव भी कर दिया गया। दूसरी तरफ लाइव में खेसारी लाल यादव के निजी सहायक ने भी पंकज को धमकी दे डाली और कहा कि उनके साथ और भी बुरा होगा। इस विषय में पत्रकारों के बात करते हुए पंकज सिंह ने बताया कि खेसारी लाल यादव के गाने के जवाब में दूसरे गाना गाने के बाद खेसारी लाल के इशारे पर दिनारा थाने की पुलिस उनके घर पर गई थी। उनके माता पिता से भी अभद्रता की तथा इस पूरे मामले में बिल्कुल बुरी तरह डरे नवोदित गायक पंकज सिंह खेसारी लाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए बक्सर नगर थाना पहुँच गए हैं। मतलब हथियार लेकर वहाँ पर मारपीट वहाँ पे बुलवाया गया था और बड़ा बड़ा वहाँ पे सबसे आने लगे सर, जैसे लगा कि बचेगा नहीं कोई यहाँ पे, तो मैं दिमाग लगाया कुछ ऐसे ऐसे करके सरकार से कानून से आपका न्याय की गुहार लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, जनता से गुहार है कि आप सपोर्ट किए हैं भाई को, तो अभी थाना में आए तो आप कानून से क्या चाहेंगे? उसके बाद वहाँ जब मैं देख लिया माहौल कि मेरे जो नहीं है, फिर मुझे ले जाया गया एक स्टूडियो पे। वहाँ बोला कि भैया देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे जा नहीं सकते हैं और इतना लोग हैं, मैं रह भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने 50 रुपया दिया, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने जाने देंगे मुझे। फिर वहाँ पे धमकी मिलने लगा कि 5 किलोमीटर जाओगे तुमको गोली मार दिया जाएगा, इससे अच्छा यहीं रहो तुम, उनको यहीं से हम लोग जो कर रहे हैं देखते रहो। अखिलेश कश्यप थे और उनके जितने भी गुर्गे थे उनके साथ थे। और किसी का नाम आप जानते हैं? जी के वो भी लाइव में आके मुझसे बात किया करते थे, जो लाइव में किए हैं बात। क्या नाम है? विवेक सिंह उनका नाम मैनेजर है। जी सर, ये सब काम किसके सारे पर हो रहा है? ये तो काम वही खेसारी लाल भैया के। अच्छा, आप गाना क्यों गाना पड़ा, आपको क्या मजबूरी हो गई? सर मजबूरी हो गई कि लगातार लड़कियों का नाम लेकर लड़की के नाम रख रख के गाने में लोग गाने लगा, कोई विरोध नहीं किया, तो मैं भी इस चीज को लाया कि देखिए अब किसको किसको लगता है कि गलत हुआ है। गाने में आपके परिवार का भी गाना गाया जी? अब मैं टोटल लड़की मेरे परिवार की लड़की है, मैं सिर्फ उसको ही नहीं, माई बाप भौजाई भाई सब जने कहते ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे नर लोग। अगर हम अपने आप को बनाने के लिए दिनों रात अपने शरीर से लेकर अपने दिमाग से लेकर अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को बड़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूँ, तो किसी पे ना 2-4-5-10-20 लाख रुपया खर्चा करने में मेरा टाइम ना लगे, यो जान लग, ये क्लियर जान लग। और आज से स्टार्ट बा, जिसको भी मेरे बारे में बोलना है वो निगेटिव अगर बोल दिया, माँ कसम का करूँगा मैं, उसका अंदाजा किसी को नहीं है। कि हम अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने प्रतिष्ठा 2 पैसे कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ, मेहनत का 2 रोटी कमाता हूँ, तो खाने दो मुझे और सबको खाने दो, आप अपनी बातें रखो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रखने का एक शैली होनी चाहिए, रखने का तरीका। और हाँ, मेरे साथ किसी